हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और उसकी इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं। और अध्याय कौन सा है राजनीतिक विचारधाराएं का आपका अध्याय 3, जिसका नाम है मार्क्सवाद। बच्चों, इसकी हम दो विचारधारा यानी कि जो उदारवाद और साम्यवाद हम पढ़ चुके हैं, और हमारा आज का अध्याय है तीसरा मार्क्सवाद। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई, यानी कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा थी उसी को क्या कहते हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे कार्ल मार्क्स। ये यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यानी कि मार्क्सवाद क्या है, उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा, यानी कि समाज के स्वामित्व द्वारा, समाज के शासन के द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं-20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन थे, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे और राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस प्रशा के एक यहूदी परिवार में हुआ। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। यानी इनका जन्म तो यहूदी परिवार में हुआ था और 1824 में इनके परिवार ने क्या किया, ईसाई धर्म को कबूल कर लिया या स्वीकार कर लिया, यानी कि अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हिंगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839-41 में उन्होंने डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि की। अब हम देखेंगे बच्चों कि मार्क्सवाद का अर्थ या उसका अभिप्राय क्या है। तो देखते हैं, मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसका आधार मार्क्स एवं एंगेल्स के विचार है। यानी कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसका आधार क्या है, मार्क्स एवं एंगेल्स के विचार हैं। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स 1818 और 1883 और फ्रेडरिक एंगेल्स नाम के दो महान विचारक हुए थे। इन दोनों ने मिलकर दर्शन, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, विज्ञान यानी कि साइंस, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की विविध समस्याओं पर अत्यंत गंभीर व विशद रूप से विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और एक नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। यानी कि गंभीर और विशद क्या होता है बच्चों, उज्ज्वल। तो इन्होंने अपना नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। इसी दृष्टिकोण व विचारधारा को विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है और इस विचारधारा में एंगेल्स का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यानी ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया, जो मार्क्सवाद और जो एंगेल्स हैं उनके विचार ही मार्क्सवाद के आधार हैं। तो इन्होंने क्या करा,
दर्शन, इतिहास, समाजवाद, विज्ञान, अर्थशास्त्र की विविध समस्याओं के, यानी कि जो उनकी प्रॉब्लम थी इन सारे विषयों की, उस पर अत्यंत गंभीर व उज्जवल रूप से विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित, यानी कि एक निश्चित विचारधारा और एक नवीन दृष्टिकोण क्या किया, विश्व के सामने रखा। और इसी दृष्टिकोण में विचारधारा को क्या कहते हैं, मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ, एंगेल्स नाम के जो विद्वान हैं उनका बहुत योगदान रहा है। मार्क्स के दर्शन स्रोत, अब हम देखेंगे कि मार्क्स के दर्शन स्रोत क्या क्या हैं। एबिंस्टीन के अनुसार अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण, यानी कि बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई और लंबी खोज में मार्क्स को अपना दर्शन किसी विचारक से बनाया त्याग नहीं मिला, वरन उसने उसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया है। यानी उसे वे तैयार नहीं मिला, किसी से मिला नहीं, उन्होंने बहुत खोजें की है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सर्च किया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज की, तब उन्हें ये स्रोत, उन स्रोतों को उन्होंने इकट्ठा या एकत्र किया है। अब हम देखते हैं उन स्रोतों को। तो पहला है जर्मन विद्वानों का प्रभाव। तो मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने युवा हेगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया, यानी उन्होंने भौतिकवाद का विचार कहाँ से लिया है, युवा हेगलवादी फायरबाख से भौतिकवादी का विचार उन्होंने लिया है। दूसरा है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। तो मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ व रिकार्डो आदि से श्रम के मुख्य सिद्धांत को अपनाया। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित करने का अर्थ होता है जिसका प्रतिपादन हो चुका है या जिसका निर्धारण हो चुका है। तीसरा है फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन। फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतकों ने समाजवाद का प्रतिपादन किया था। उसका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था, यानी कि जो काल्पनिक क्या होता है, जिसकी कल्पना की गई हो, तथापि वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, यानी स्वामित्व क्या होता है, उत्पादन के साधनों का मालिक या स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्पादन और उनका शोषण करने वाले वर्ग का विनाश का सिद्धांत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार आदि मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से प्राप्त किया। चौथा है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। तो तत्कालीन पूंजीवादी समाज के शोषणवादी, यानी कि जो शोषण करने वाले होते हैं शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। अब हम देखेंगे कि मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। द पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी, तो ये कब लिखी गई थी, 1847 में, और मार्क्स ने लिखी। द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, 1844 में मार्क्स ने लिखी ये भी। थीसिस ऑफ फायरबाख, मार्क्स ने। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, मार्क्स ने लिखी। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क्स ने। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, मार्क्स ने। द कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1894 में मार्क्स ने लिखी ये भी। द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1871 में मार्क्स ने इसकी रचना की। और द गोथा प्रोग्राम, मार्क्स ने इसकी रचना की। द होली फैमिली, 1875। जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स एवं एंगेल्स, ये मार्क्स एवं एंगेल्स दोनों ने इसकी रचना की है। द ओरिजिनल ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, एंगेल्स, ये किसने लिखी है, एंगेल्स ने। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये लेनिन ने की है इसकी रचना। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ये माउथ से तुंग ने इसकी रचना की है। द प्रिजन नोटबुक्स, इसकी किसने की है, ग्रॉम्सी ने इसकी रचना की है। तो ये हमने देखी मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं। अब हम देखेंगे कि मार्क्सवाद की जो रचनाएं हैं उनसे जो संबंधित कुछ जो तथ्य है वो हम देखेंगे। तो पहला है द कैपिटल, 1867 में मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। और जो उनकी जो रचनाएं हैं, जो द कैपिटल, उसमें क्या किया है मार्क्स ने, मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण उसमें किया है। दूसरा है द कैपिटल, 1867 में जिसकी रचना हुई उसका पूरा नाम द क्रिटिकी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है।
इसका पूरा नाम ये है, द कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने तथा बाकी दो खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंगेल्स ने संपादित किए हैं। और जो द कैपिटल है इसका पहला खंड तो मार्क्स ने इसकी रचना कर दी, लेकिन बाकी जो दो खंड बचे वो मार्क्स की मृत्यु के बाद उसकी रचना किसने करी, उन दोनों की एंगेल्स नामक विद्वान ने करी है, या उनका संपादन किसने किया है, एंगेल्स नामक विद्वान ने किया है। प्रूधो ने द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी 1847 नामक पुस्तक लिखी, जिसके जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847 नामक रचना लिखी। इसमें मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी। द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में राज्य में विचार दिया तथा इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के विचारों को संशोधित किया। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। अब हम देखेंगे बच्चों कि मार्क्स के प्रमुख विचार तथा मार्क्सवाद की मूल्य मान्यताएं क्या क्या है। तो पहली है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, जिसमें क्या होता है वाद विवाद की, द्वंद्वात्मक क्या होता है बच्चों, जिसमें वाद विवाद की कला को क्या कहते हैं, मतलब जो वाद विवाद की कला होती है उसको क्या कहते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। तो इसकी जो प्रमुख विचार और मूल्य मान्यता है कौन सी है, पहली कौन सी है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरी है इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या। और तीसरी है वर्ग संघर्ष क्या होता है बच्चों, मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग किसी समाज में, मतलब किसी समाज में क्या हो, भिन्न भिन्न वर्गों में होने वाला ऐसा पारस्परिक यानी कि आपस में होने वाला जो संघर्ष होता है, जिसमें जो वर्ग होते हैं वो एक दूसरे को दबाने या नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का राज्य सिद्धांत, प्रजातंत्र धर्म व राष्ट्र के संबंध में। तो प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र यानी जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है, तो वो क्या होता है, प्रजातंत्र। मार्क्सवादी पद्धति, कार्यक्रम, क्रांति। परंतु मार्क्सवाद को जानने के तीन आधार है, और मार्क्सवाद को जानने के कौन कौन से बेस हैं, यह आधार है, तीन आधार है, उत्पादन प्रणाली यानी उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, उत्पादन करने की प्रणालियाँ किस प्रकार की है यानी कि कोई प्राचीन प्रणाली तो यूज़ में नहीं ली जा रही, या फिर श्रमिकों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है या मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो उसको जानने के क्या आधार है, पहला आधार कौन सा है, उत्पादन प्रणाली, और उत्पादन के साधन, दूसरा क्या है, उत्पादन के साधन यानी उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के साधनों का, मशीनरी वगैरह का इनका प्रयोग किया जाता है, और तीसरा है उत्पादन संबंध। अब हम देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, भौतिकवादी क्या कौन होते हैं, जो भौतिकवाद का अनुयायी या पोषक हो उसे क्या कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूला आधार है, यानी ये भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्स के संपूर्ण यानी कि पूरे चिंतन का मूल आधार है, यानी कि मूलाधार है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है, यानी कि क्या होता है, समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या देने की क्या करता है, यह प्रयत्न करता है या कोशिश करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स के द्वंद्ववाद का विचार हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया, और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द है, इनमें प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, पहला है द्वंद्वात्मक, तो क्या स्पष्ट करता है कि सृष्टि का विकास किस प्रकार हो रहा है, और दूसरा शब्द है भौतिकवाद यानी कि सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है, और जो भौतिकवाद है वो शब्द क्या स्पष्ट करता है कि भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है, और द्वंद्वात्मक क्या करता है कि किस प्रकार कि जिसके अनुसार क्या हो रहा है, सृष्टि का विकास हो रहा है। अब हम देखेंगे दुख की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया
क्या है और किस प्रकार होती है। तो मार्क्स के विचार दंडात्मक पद्धति पर आधारित हैं। हिगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष ना होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, यानी कि मार्क्स ये मान यानी हिगल जो विद्वान है वो मानते हैं कि समाज की जो प्रगति जो तरक्की हुई है वो प्रत्यक्ष ना होकर एक टेढ़े मेढ़े यानी वो एक तरीके से नहीं होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई है, टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी नहीं भी हुई है तो कभी बहुत ज़्यादा हुई है, इस प्रकार वह हुई है, यानी कि इसकी तरक्की इस प्रकार हुई है। इसके तीन अंग है, वाद यानी अपनी वाद प्रतिवाद और संवाद, यानी अपनी बात रखना, दूसरे की बात सुनना और एक दूसरे में मतलब संवाद करना, मार्क्स की पद्धति का आधार। हिगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है, यानी मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने क्या किया, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को कैसे समझाया है, गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है। गेहूं का दाना वाद है, यानी गेहूं का दाना जब होता है तो वह क्या है, वाद है। भूमि में बो देने के बाद वह पौधा निकलता है, और जब उसे भूमि में बो देते हैं, हम गाड़ देते हैं उगाने के लिए, तो वह क्या बन जाता है, वह पौधा निकलता है। दूसरा चरण क्या है, प्रतिवाद, और जब पौधा बन के निकल रहा है तो वह क्या है, प्रतिवाद है। तीसरा चरण, पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं का दाना बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना, यह तीसरा चरण संवाद है। यानी क्या है कि जब पौधा बन गया तो उसमें फल मतलब उसमें क्या हुआ, पौधा बन गया, उसमें गेहूं की बालियां आई, उसको वो गेहूं हमने काटे, जो सब सूख गए तो उसे हमने काटा, दाना बन गया और पौधा सूख कर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये कौन सा है, चरण है, तीसरा चरण है। अब हम देखेंगे कि भौतिकवाद, भौतिकवाद क्या है। जहाँ हेगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वास को मानता है, वही मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानता है, यानी कि जहाँ पर हीगल जो विद्वान है वह सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वास को मानता है, वही मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व किसे मानते हैं, जड़ को मानते हैं। अब हम देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र है, और द्वंद्ववाद के अनुसार क्या है, विश्व स्वतंत्र है, और यह असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर है। द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि प्रकृति अस्थिर है मतलब वो स्थिर नहीं है, वो बार बार बदलती रहती है, गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील है, यानी बार बार परिवर्तित होती है। द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं, और वस्तु में क्या होता है, गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे नहीं होते, वो शीघ्रता से यानी जल्दी अचानक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स हिगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है, यानी वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स कैसे देते हैं, हिगल की विचारधारा के आधार पर ही देते हैं। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में मानता है। अब हम देखेंगे बच्चों की द्वंद्वात्मक विकास की क्या क्या नियम है। तो देखते हैं, विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम, यानी विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा इसका नियम है, परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, यानी परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, मात्रा में भारी परिवर्तन से गुण में भी परिवर्तन आता है, जैसे जल गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम है, निषेध नियम, यानी कि इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता, अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के कुछ टॉपिक्स। बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है मार्क्सवाद, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में या पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।